हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। कछु बानर कछु भाल समूह कर कर हुहा धावन लागे, कर कर हुहा धावन लागे। सेतु बनावन है तु महाभट, हाथ लग्यो सोई लावन लागे, हाथ लग्यो सोई लावन लागे। मित्र, आपने लंका की सेना और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है, वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान है। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहल नहीं है क्योंकि यह शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहां बहुत घने वन हैं, सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं, उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे, आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है और फिर छत्री के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए, पहले तो आपके धनुष की एक ही टनकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी?
मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव दैव भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं। जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारे प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। दो दिन पश्चात भी हमें यह शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से ये तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो, मैं यही बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करे। नमस्तुभ्यं जलनिधे, नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधि।
रखना कर आपसे आज है काज हमारा अमृत है तू न रत्नों के कारण आपके सन्मुख हाथ पसारो पंख नहीं कोई पंथ नहीं अब सैन्य सहित हमें पार उतारो ओ हुसाए सुझाओ उपाय रहे गोरिणी रघुवंश तिहारो सिंधु विशाल है दोनों उदार महान है दोनों समृद्ध है दोनों है दाता गुण और रत्न की खान है दोनों एक अथाह है एक अनंत है एक अथाह है एक अनंत है धरती को वरदान है दोनों एक है मीठो तो एक है खारो नहीं तो समान समान है दोनों अतल सिंधु के जल में जितने किए उपाय अब क्या होगा अब क्या होगा कुछ भी समझना कुछ भी समझना प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए दो दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सागर का उपकार भूल गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिड़गिड़ाए। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। विनय न मानत जलधि जड़ गए महासागर भूतकाल साक्षी है इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं कभी किसी से कुछ लेते नहीं याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। तीन दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो।
मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया, यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। से मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना अरूस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा कर, आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु यह दोष तो आप ही का दिया हुआ है।
आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु हम पांच तत्व अर्थात आकाश धरती अग्नि वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझमें सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुभ्य है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्व समर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है, एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा।
अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ, शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए, सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। करुणा सागर वीर करू जोड़ कर हाथ, सीय सहित मोह बेगी दर्शन दीजो नाथ। नल नील आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी, बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दे। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दे। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा अनुसार होंगे। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। कछु बानर कछु भाल समूह कर कर हुहा धावन लागे, कर कर हुहा धावन लागे। सेतु बनावन है तुम महाभट, हाथ लग्यो सोई लावन लागे, हाथ लग्यो सोई लावन लागे। सब निज निज को पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी, राम राम श्री राम राम प्रभु को नाम, अधिक प्रभावी राम ते वर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में
सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई, राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं, हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं, आपकी आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ, मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु,
आपके अनंत नाम है। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम श्री रामेश्वर। प्रभु रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक्पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? रामः ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरः, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं, अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की कूट व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है, मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है, उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल निर्माण नहीं हो सका। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने लक्ष्य को सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री 400 कोस दूर थी वो मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आवाहन कर रहा है कि बलिदानी वीरों आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो। माता चंड के भवानी का ध्यान करके हर हर महादेव नाथ से आतताइयों को दहलाते हुए इस सेतु को पार करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु सेतु पर सर्वप्रथम आपके चरण पड़े। राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ओ
विश्वास है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।